नमस्कार, स्वागत है पीवी न्यूज में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स में भोपाल मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में ओडीपी में डॉक्टर को दिखाने के लिए भी एम्स में लंबी लाइनें लगी रहती हैं। लेकिन अब एम्स आने वाले मरीजों को अब कुछ हद तक राहत मिलेगी। उन्हें रजिस्ट्रेशन के लिए लंबी लंबी कतारों में नहीं लगना होगा। अब मरीज QR कोड स्कैन कर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। एम्स के अध्यक्ष डॉक्टर YK गुप्ता ने मंगलवार को इस सेवा की शुरुआत की है। मरीजों को OPD और IPD क्षेत्रों में मरीज और उनके तीमारदारों को मुफ्त वाईफाई सुविधा भी दी जाएगी। इसके साथ ही एम्स के विभिन्न भवनों का नामकरण किया गया है। इस मौके पर डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि विभिन्न भवनों व इमारतों का नाम ऐतिहासिक व ख्याति प्राप्त व्यक्तियों के नाम पर रखा जाना चाहिए। इससे उन क्षेत्र में काम करने वाले लोगों व बाहर से आने वाले रोगियों को प्रेरणा भी मिलेगी। इसके साथ ही सभी भवनों के पुराने नाम को बदलकर नए नाम में परिवर्तित कर दिया गया है। और भी खास खबरें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज से।